दोस्तों मार्कंड जी युधिष्ठिर को आगे बताते हुए कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ माल्यवान पर्वत पर रहते थे। सुग्रीव ने उनकी रक्षा का पूरा प्रबंध कर दिया था। एक दिन भगवान श्री राम लक्ष्मण से बोले, सुमित्रा नंदन जरा किष्किंधा में जाकर पता तो लगाओ सुग्रीव क्या कर रहा है। मैं तो समझता हूँ वह अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन करना नहीं जानता, अपनी मंद बुद्धि के कारण उपकारी का भी अनादर कर रहा है। यदि वह सीता के लिए कुछ उद्योग न करता हो, विषय भोग में ही आसक्त हो, तो उसे भी तुम वाली के ही मार्ग पर पहुंचा देना। यदि हमारे कार्य के लिए कुछ चेष्टा कर रहा हो तो उसे साथ लेकर शीघ्र ही यहाँ लौट आना, विलम्ब न करना। भगवान राम के ऐसा कहने पर बड़े भाई की आज्ञा मानने वाले वीरवर लक्ष्मण जी प्रत्यंचा चढ़ाया हुआ धनुष लेकर किष्किंधा की ओर चल दिए। नगर द्वार पर पहुंचकर वे बेरोक टोक भीतर घुस गए। वानर सुग्रीव लक्ष्मण को कुपित जानकर स्त्री को साथ ले बहुत ही विनीत भाव से उनकी अगवानी में आए। उन्होंने उनका पूजन और सत्कार किया। इससे लक्ष्मण जी बहुत प्रसन्न हुए और निर्भय होकर श्री रामचंद्र जी का आदेश सुनाने लगे। सब सुन लेने पर सुग्रीव ने हाथ जोड़कर कहा, लक्ष्मण मेरी बुद्धि खोटी नहीं है, मैं कृतघ्न और निर्दय भी नहीं हूँ। सीता की खोज के लिए जो यत्न मैंने किया है उसे ध्यान देकर सुनिए। सब दिशाओं में सुशिक्षित वानर पठाए गए हैं, उनके लौटने का समय भी नियत कर दिया गया है। कोई भी एक महीने से अधिक समय नहीं लगा सकता। उन्हें आज्ञा दी गई है कि वे इस पृथ्वी पर घूम घूम कर प्रत्येक पहाड़, जंगल, समुद्र, गांव, नगर और घर में सीता की खोज करें। 5 रात में उनके लौटने का समय पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप श्री रामचंद्र जी के साथ बहुत ही प्रिय समाचार सुनेंगे। सुग्रीव की बात सुनकर लक्ष्मण जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया और इस प्रबंध के लिए सुग्रीव की बड़ी प्रशंसा की। फिर उन्हें साथ लेकर वे श्री रामचंद्र जी के पास गए और सुग्रीव ने जो कुछ प्रबंध किया था उसे उनसे निवेदन किया। समय पूरा होते होते 3 दिशाओं में खोज करके हजारों वानर आ पहुँचे। केवल दक्षिण दिशा में गए हुए वानर अभी तक नहीं लौटे थे। आए हुए वानरों ने बताया कि बहुत ढूंढने पर भी हमें रावण और सीता का पता नहीं लगा। फिर 2 मास व्यतीत होने पर कुछ वानर बड़ी शीघ्रता से सुग्रीव के पास आए और कहने लगे, वानर राज, वाली तथा आपने जिस महान मधुवन की अब तक रक्षा की है वह आज उजाड़ हो रहा है। आपने जिन जिन को दक्षिण भेजा था वे पवन नंदन हनुमान, वाली कुमार अंगद तथा और भी बहुत से वानर मधुवन का स्वेच्छानुसार उपभोग कर रहे हैं। उनके दृष्टता का समाचार सुनकर सुग्रीव समझ गए कि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है, क्योंकि ऐसी चेष्टा वे ही भृत्य कर सकते हैं जो स्वामी का कार्य सिद्ध करके आए हो। ऐसा सोचकर बुद्धिमान सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी के पास जाकर यह समाचार कह सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने भी यही अनुमान किया कि उन वानरों ने अवश्य ही सीता का दर्शन किया होगा। तदनंतर हनुमान आदि वानर वीर मधुवन में विश्राम करने के पश्चात सुग्रीव से मिलने के लिए राम लक्ष्मण के निकट आए। उनमें से हनुमान की चाल ढाल और मुख की प्रसन्नता देखकर श्री रामचंद्र जी को यह विश्वास हो गया कि इसने ही सीता का दर्शन किया है। हम अपने सभी व्यूअर्स से अनुरोध करते हैं कि कृपा कर इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग दे। हनुमान आदि ने वहां आकर श्री राम, सुग्रीव तथा लक्ष्मण को प्रणाम किया। फिर राम के पूछने पर हनुमान ने कहा, राम जी मैं आपको बहुत प्रिय समाचार सुनाता हूँ। मैंने जानकी जी का दर्शन किया है। पहले हम सब लोग यहाँ से दक्षिण दिशा में जाकर पर्वत, वन और गुफाओं में ढूंढते ढूंढते थक गए थे। इतने में एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई पड़ी। वह अनेकों योजन लंबी चौड़ी थी। भीतर कुछ दूर तक अंधेरा था, घने जंगल थे और उसमें बहुत से जानवर रहते थे। बहुत दूर तक मार्ग तय करने के बाद सूर्य का प्रकाश देखने में आया। वहाँ एक बहुत सुंदर दिव्य भवन बना हुआ था। वह मैं दानव का निवास स्थान बताया जाता है। उसमें प्रभावती नाम की एक तपस्विनी तप कर रही थी। उसने हम लोगों को नाना प्रकार के भोजन दिए, जिन्हें खाने से हमारी थकावट दूर हो गई, शरीर में बल आ गया। फिर प्रभावती के बताए हुए मार्ग से हम लोग ज्यों गुफा से बाहर निकले, त्यों ही देखते हैं कि हम लवण समुद्र के निकट पहुंच गए हैं और सही मलय और दुर्दर नामक पर्वत हमारे सामने हैं। फिर हम सब लोग मलय पर्वत पर चढ़ गए। वहां से जब समुद्र पर दृष्टि पड़ी तो हृदय विषाद से भर गया। हम जीवन से निराश हो गए। भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ यह सैकड़ों योजन विस्तृत महासागर कैसे पार किया जाएगा यह सोचकर हमें बड़ा दुख हुआ।